दिस इज प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर मतलब ही इसके अंदर पका है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी देखो कितना बजा है, पहले अब घड़ी देख लो, इट्स ओनली 6:30। बहुत ही सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, यूजुअली मैं इसी टाइम पे उठती हूँ नहीं, लेकिन आज सुबह उठने का एक रीज़न ये है कि आज है इंडिपेंडेंस डे। सो ये आज है 75th इंडिपेंडेंस डे इंडिया की। सो बहुत ही गर्व की बात है ये हम लोगों के लिए, ये नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जो है उन्होंने इतना सारा फाइट करके, इतना अपना खून पसीना बहा के, अपने प्राण दे के जो हम लोगों को उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया है, इस दिन को हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो लोगों ने ऐसा कुछ स्टेप उठाया था जिसकी वजह से आज हम लोग सुकून से सो पाते हैं, एकदम बिंदास होकर वीडियो बना रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए। तो अ ग्रेट थैंक यू एंड ग्रेट सल्यूट टू देम। सो आज का दिन का बहुत बड़ा प्लान है मेरा, इतना सुबह उठने का यही रीज़न है। ब्रश व्रश करके मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं रेडी होऊंगी क्योंकि मुझे अभी जाना है स्कूल, फिर वहाँ से मैं जाऊँगी मेरी कोचिंग क्लास, फिर मैं वहाँ से जाऊँगी घर, घर आके फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। तो एक बहुत बड़ा शेड्यूल रूटीन है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, पता नहीं कितना मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। सो आई होप कि आपके भी बहुत सारे मेमोरीज होंगे इंडिपेंडेंस डे को लेकर, क्योंकि इस दिन हम लोग सुबह सुबह उठ के फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फिर जाते थे स्कूल में, फ्लैग होस्टिंग होता था, टीचर्स लोग पैरेड करते थे, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते थे, एंड उसके बाद हम लोगों को स्नैक्स मिलता था, फिर हम लोग घर चले आते थे। ये बहुत ही मेमोरीज है सब लोगों की आई थिंक, एंड एंड आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आपकी क्या मेमोरीज है इंडिपेंडेंस डे की। या सो देख लेते हैं क्या मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को आज। एंड मैं अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यूजुअली मैं स्कूल में साड़ी पहन के जाती हूँ, लेकिन आज मैं साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए मैं सलवार कमीज ही पहनूंगी। तो या मैं रेडी होकर फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, एंड लुक एट द मेकअप। आई मेकअप में मैंने थोड़ा सा आईलाइनर ब्लू लगाया है, ब्लू बिंदी लगाया है, एक ऑक्सीडाइज का झुमका, और मैंने यहाँ पर आज वाइट कुर्ती वेयर किया है, उसके साथ मैंने एक ट्राइकलर दुपट्टा लिया है, एंड मेरी मम्मी ने मुझे मैचिंग एक मास्क भी खरीद के दिया है, क्योंकि अभी मास्क बिना पहने तो आप निकल नहीं सकते हैं। और एक मेकअप लुक है जो मैंने क्रिएट किया था ये इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो वो मेरी ब्यूटी चैनल पे है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी 7:15 हो गई है, मुझे निकलना है क्योंकि पहुँचना है मुझे वहाँ पर। सो लेट्स गो। जगह की प्रोग्राम ख़त्म हो गई है, अभी मैं और एक जगह पे आई हूँ मेरे प्रोग्राम के लिए, कोचिंग का, अभी मैं वहाँ पर प्रोग्राम होगा, यहाँ का प्रोग्राम देख लेते हैं चटक से। घर पहुंच गई हूँ, ख़त्म हो गया मेरा टू प्रोग्राम्स स्कूल का और क्लास का, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मेरा क्लास का प्रोग्राम है, ऑनलाइन क्लास का, वो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद फाइनली मेरा जो प्रोग्राम का शेड्यूल है वो ख़त्म होगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि आज का दिन का क्या प्लानिंग है। ओके, लेट्स गो। फाइनली मेरा क्लास ख़त्म हो गया है, एंड बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, ट्रस्ट मी। एंड मुझे, मैं अभी खा रही हूँ पोहा, मुझे स्कूल से ही मिला है, हेल्दी खाना है, तो मैं अभी थोड़ा सा, यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। बहुत लेट हो गई हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं पाई, तो अभी ब्रेकफास्ट करके देन मैं करूँगी कि मेरी जो मेरी मेकअप है ये मैं उतारूँगी, ड्रेस वेस सब चेंज करना है, क्योंकि
मेकअप इतना देर तक रखना ठीक नहीं है, यूजुअली मुझे डेली मेकअप करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा गया मेरा क्लास का प्रोग्राम, स्कूल का प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ आप पूछो ही मत। मतलब इस सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने किया, आई विश कि मैं आपको सारे दिखा पाती, बट ट्रस्ट मी हम लोगों ने बहुत, मतलब अगर आपकी चाह है तो राह है, वो बोलते हैं ना, तो इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। फेस को कर लिया मैंने क्लीन, अभी मैं यूज करूंगी थोड़ा सा टोनर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर क्लीनिंग योर फेस, एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। ठीक है, फिलहाल तो मुझे लग गई है बहुत ज्यादा भूख, खाना पका के गई है मम्मी, मम्मी थोड़ी बाहर गई है, अभी मैं देखती हूँ कि खाने में आज क्या बना है, आज संडे है, कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। सो किचन में घुसते ही मैं देख रही हूँ खाना बन गया है, तो क्या बना है आई रियली डोंट नो। ये है दाल, राइट, हाँ ये दाल बनी है, और ये क्या बना है, इसे तो दिखाई भी नहीं देता है ये, आई थिंक ओ ये बनाया है मम्मी ने ओल चिंगड़ी, इसको बोलते हैं ओल, ओल को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इंग्लिश में तो इसको एलिफेंट फूट याम बोला जाता है, हिंदी में शायद इसको जिमीकंद बोला जाता है, आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये चिंगड़ी माछ के साथ ये थोड़ा सा सब्जी बनाया गया है जो चावल के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ टेन टेन, ये क्या है, दिस इज प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर मतलब ही इसके अंदर पका है मटन या फिर चिकन, ये पे यकीन नहीं हो रहा है आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ अभी, देखो इसको खोल के मैं दिखाती हूँ। यू या मुझे पता ही था कि संडे है तो कुछ अच्छा तो स्पेशल बनेगा ही, तो अभी बारी है खाने की। क्या सजी हो तुम आज, थोड़ा मेकअप तो पूरा मतलब खराब हो गया, मतलब खोल दिया तुमने, लेकिन ये बिंदी वाली प्यारी लग रही है, तो वाह ये ट्राई कलर बिंदी कहा, किसने खरीद के दिया तुमको, किसने लगा के दिया, मम्मी ने, मम्मी ने दिया, मम्मी ने दिया। खाना खाओगी, नहीं अभी नहीं बाद में, क्यों ऐसे भूख नहीं है, क्या फोन देखती रहती हो बार बार, हाँ कि अब अभी टिया और मैं एक इंटरेस्टिंग सा चीज करने वाले हैं जो कि है सुडोकू, बंगाली में जिसको शब्दो भंडार बोला जाता है, नहीं होता है कि ऊपर नीचे साइड साइड ऐसे करके कुछ क्लू दिया जाता है और आपको ये करना पड़ता है, तो मैं हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग ये करेंगे, राइट गुड़िया, यस, एंड इसके लिए हम आज थोड़ा सा चीटिंग करेंगे, हम लेंगे गूगल का हेल्प गूगल का हेल्प लेके करेंगे, बंगाली में भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों को नहीं पता है ना, वो हम लोग ट्राई करेंगे। देखो आप आज ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एक सुडोकू दिया गया है बंगाली में, एंड जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डैश गोनो मोंगोलो दायो को जोयो है, दैट इज जोनो गोनो मोनो मोंगोलो दायो को जोयो है, ताई 17 में ऐसे हमने लिखा है, ये साइड बाय साइड एंड ये अप एंड डाउन में, जैसे कि हमने यहाँ पर कोडोम लिखा है, फिर आलम लिखा है, और इसी से वर्ड्स बन रहे हैं, ये बहुत ब्रेन की चीज़ है, ब्रेन बूस्टर है, आप इसको ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी होना होता है, एंड वर्ड नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक न्यू दिल्ली, द न्यूज़ हैड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया दैट मोहनदास करमचंद गांधी वाज फेसिंग पनिशमेंट फॉर वॉइसिंग, ये मोहनदास करमचंद गांधी, गूगल से भी अच्छा पता है मुझे, छोड़ ही दो इसको। फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया ये पूरा, एंड ये नेशनल हीरोज इंडिपेंडेंस डे सब कुछ के बारे में, ये बहुत डिफिकल्ट भी है पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाई फाई गुड़िया। चल अभी खाना खा लेते हैं, भूख लगती है, चल ठीक है। सो
सो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो गया है। दोपहर को मैं थोड़ा सा सो गई थी, रेस्ट रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा काम करना पड़ा। एंड अभी मैं शूट के लिए बैठूंगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए शूट भी करना है। तो ये मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड सेट है। अभी इसको थोड़ा सा और ठीक करूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा खुल गया है। इसको सेट करके मैं अभी शूट करूंगी, फिर उसके बाद तो नॉर्मल सा एडिट वगैरह ये होगा। सो ये आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, जो मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड एंड में मैं और एक छोटा सा बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो दिन होते हैं लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए गर्व की बात है। दिस इज आवर प्राउडफुल मोमेंट, मैं बोल सकती हूँ। तो जरूरी नहीं कि आपको कहीं पर जाके फ्लैग होस्टिंग करना है, या फिर किसी स्कूल कॉलेज में आप नहीं जा रहे हो तो फिर आप सोचोगे कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे, या कुछ करने लायक है नहीं। सिर्फ फेसबुक या इंस्टा या किसी भी सोशल साइट पे या किसी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल के शेयर करके ही हो जाता है ये दिन सेलिब्रेट। लेकिन मैं बोलूंगी कि पूरी साल में अगर ये एक स्पेशल दिन में आप 5 मिनट निकाल ही सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, कुछ ना किया जाए तो सिर्फ एक फ्लैग लेके, या फिर एक कोई गांधी जी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पिक लगा के घर में उनको एक माला फूल देके 5-7 मिनट के लिए आप थोड़ा सा उन लोगों को याद करें, जितने भी शहीद है, जो जवान अभी भी लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए, हम लोगों को इतना सेफ रखे, सिक्योर रखे, उनके लिए अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको थोड़ा सा आप करते हो भगवान के साथ, भगवान के पास के उनको अच्छा रखे, उनकी फैमिलीज को अच्छा रखे, तो फिर ये आई थिंक एक अच्छा सेलिब्रेशन होगा एंड अच्छा गिफ्ट होगा उन लोगों के लिए। क्योंकि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पर्सनली कभी भी सेलिब्रेट, या उन सारे जो शहीद होते हैं या फिर जो जवान हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं अभी भी बॉर्डर पे, उनको कभी भी स्पेशली थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। तो आप इनडायरेक्टली एटलीस्ट उनके लिए प्रे कर सकते हो। आई थिंक ये उनके लिए सबसे बड़ा अचीव गिफ्ट होगा हम लोगों की तरफ से। सो ये चीज आई थिंक आप लोग कर सकते हो। एंड एक सिटीजन होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, नेशनल फ्लैग को आप हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। अपने बच्चों को स्पेशली सिखाइए, क्योंकि वो लोग नेक्स्ट जनरेशन है, उनको सिखाना भी जरूरी है कि फ्लैग कहीं पर गिरा हुआ हो। यूजुअली इन सब दिनों में दिखा जाता है कि डेकोरेशन के बाद बहुत सारा फ्लैग रास्ते में गिरा हुआ रहता है, उनको उठा के आप कहीं भी, मतलब उनको, उनके ऊपर आप पैर मत चला दीजिए या फिर आप ये कुछ भी मत कीजिए, उनको उठा के आप किसी अच्छी जगह पर डस्टबिन में मत फेंकिए। अगर आपके घर के सामने कोई नाला है या पानी टाइप जो जगह नहीं होती है, पुकुर या नदी या गंगा है, उसमें आप विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो आप उसको मिट्टी डाल के उसको, मतलब वो कर दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। मैं जो बोलना चाहती हूँ आप शायद समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसको रेस्पेक्ट कीजिए। फ्लैग में क्यों 3 कलर्स होते हैं, उन सारे कलर्स के मतलब मीनिंग क्या है, कौन कौन है हमारे नेशनल हीरोज, उनको थोड़ा सा इस बारे में बताइए, खुद भी थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, तो फिर अच्छा लगेगा। तो ऐसे भी आप ये दिन सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड मैं जानती हूँ मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर रही हूँ, पर आई थिंक सारे दिन के लिए अगर हमारे पास टाइम होता है तो जिन कारण से हम लोगों को वो सारे दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना तो बनता है बॉस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का दिन अच्छा लगा मेरे साथ। एंड कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है या फिर और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अगर आज का दिन आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, अगले किसी दिन में मेरे दिन की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।